तो बोर मॉडल में अपन एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल की बात कर रहे थे। एप्लीकेशन मतलब कि बोर ने अपने को रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए थे, उन्हीं की अपन बात कर रहे थे। तो पहला फॉर्मूला जो था अपने पास, वो अपन ने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि अगर अपने को किसी जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम में किसी एनएच सेल का रेडियस निकालना है, तो अपने लिखा था कि आर इक्वल टू 0.529, कौन है जो सो रहा है, एन स्क्वायर बाई जेड। ये अपने निकालने के लिए रेडियस निकालने फॉर्मूला लिखा था इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये है अपने पास कि R इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग सेल की रेडियस निकालना है, तो इस फॉर्मूले को अपन यूज कर लेते हैं। अपन ने ये फॉर्मूला निकाल लिया था रेडियस के लिए कि रेडियस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से मैं लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर बाई जेड। तो अब अपने पास कभी कभी क्या करता है, अलग अलग एटम में अलग अलग सेल की रेडियस कंपेयर कराता है। मतलब किस तरीके से, जैसे अपने पास मान लो कि एक एटम में Z1 एटॉमिक नंबर के साथ उसके किसी N1 सेल की बात कर रहा है, इसी तरीके से दूसरा एटम है अपने पास Z2 एटॉमिक नंबर के साथ, उसका अपने पास कोई सेल है N2, उन दोनों का रेडियस तुमको कंपेयर करने को बोलेगा। कंपेयर करने का मतलब उनका रेशियो निकालने के लिए तुमको बोलेगा। तो अगर अपन इसकी रेडियस को बोले R1, इसकी रेडियस को बोले अपन R2, तो अपने को एक तरीके से निकालना है क्या, R2 by R1। तो R2 by R1 अपने पास क्या आ जाएगा कि N1 upon N2 का होल स्क्वायर Z1 by Z2। क्योंकि अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने पास R जो है क्या है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ये आर है जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R2 by R1 किया अपन ने, तो यहाँ पे अपने पास आएगा क्या, N2 by N1 का होल स्क्वायर, और R2 by R1 किया तो जेड अपने पास क्या हो जाएगा, Z1 by Z2, क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से दोनों को अपने को रिलेट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेट। तो इसी से कंपेयर करके अपन लिख सकते हैं। तो कभी कभी तुम्हारे पास ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है कि अलग अलग एटम के अलग अलग सेल की बात करें, तो जो रिलेशन है उसी को यूज करके अपन ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस हिसाब से अपन ने ये फॉर्मूला निकाला। अब इसी को तुम अलग अलग केस बना सकते हो, मतलब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो ये सब तुमको आना चाहिए। बस बता दे रहा हूँ एक बार कि अपने पास मान लो कि जेड सेम हो जाए, मतलब एक ही एटम के अलग अलग सेल की बात करें, N1 और N2, कि एक N1 सेल है जिसका रेडियस है R1, एक N2 सेल है जिसका रेडियस है R2, सेम एटम के लिए, सेम एटॉमिक नंबर या सेम एटम, तो जेड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो N1 सेल का रेडियस अपन बोल रहे R1, N2 सेल का रेडियस बोल रहे अपन R2। तो अपने पास एक तरीके से क्या है कि n ही जो है वेरिएबल है, तो अपन लिख देंगे कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, N2 by Z। अभी z अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया एक तरीके से। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। तो अपने को R2 और R1 का रेशियो लेना है, तो R2 by R1 इक्वल टू N2 by N1 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सेम जेड की वैल्यू के लिए, मतलब एक ही एटम में अलग अलग सेल की रेडियस अगर तुमको कंपेयर करना है। तो दूसरा तुम ये कर सकते हो केस टू, दूसरा अगर अपन बात करें किसकी, केस टू। तो केस टू में अपने पास मान लो कि एन की वैल्यू सेम कर दो, कि अपने पास एक एटम में Z1, उसमें एनएच सेल है, कोई भी एन की हो सकती है, सेकंड सेल, थर्ड सेल या फोर्थ सेल। दूसरा एटम है अपने पास Z2, उसमें भी वही सेम सेल की अपन बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एटम में सेम सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं।
यहाँ पे रेडियस है मान लो कि R1, यहाँ पे रेडियस है अपने पास क्या R2। तो एक तरीके से क्या हो गया, एटम हो गया अपने पास डिफरेंट। सर वो रेशियो और वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए सेल अपने पास हो गया सेम, कौन सा वाला, अच्छा सर, केस 1। केस 1, ये वाला आया था क्या जो अपने अभी लिखा। यस सर। चलो तो इसमें देखो अपन ने क्या कर रहे हैं कि अपने पास क्या है, एक ही एटम के अंदर एटम अपन ने लिया, सेम एटम के लिए बात कर रहे हैं। तो एक एटम के अंदर मतलब तो सेम एटम की बात करें तो जेड अपने पास सेम हो गया, उसी में अपने पास N1 सेल है जिसका रेडियस अपन बोल रहे हैं कि R1। दूसरा सेल है N2, उसका रेडियस अपने पास क्या R2। जैसे मैं बोलूं कि अपने पास मान लो कि सिल्वर है Ag, तो सिल्वर का अपने को बोल दिया जाए कि तब अपने को फिफ्थ और सिक्स्थ सेल का रेडियस कंपेयर करना है। तो एक फिफ्थ हो गया एक सिक्स्थ हो गया, तो फिफ्थ सेल की रेडियस और सिक्स्थ सेल की रेडियस अपने को कंपेयर करना है, मतलब एक ही एटम के लिए अलग अलग सेल। तो अपन ये देखा कि अपने पास जो रिलेशन था कि R=0.529 n² / z, तो वहां से अपन बोल रहे थे कि n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी सेम एटम के लिए बात कर रहे हैं तो z तो अपने पास क्या हो गया, एक तरीके से कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहां से मैं लिख रहा हूँ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो R2/R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2/N1 का होल स्क्वायर। अभी ठीक है क्या, यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो केस 2 में अपन क्या कर रहे हैं अभी कि अब अपन ने क्या किया कि अलग अलग एटम है, तो एक एटम 1 था जिसका एटॉमिक नंबर अपने पास Z1 है, दूसरा एटम 2 है जिसका एटॉमिक नंबर अपने पास Z2 है। उसमें अपन सेम सेल की बात कर रहे हैं, जैसे तुमको बोल दिया जाए कि लिथियम का सेकंड सेल और हीलियम का भी सेकंड सेल, उन दोनों का रेडियस तुमको कंपेयर करना है। तो सेल नंबर तो अपने पास दोनों के लिए क्या होगा, सेकंड, और एटॉमिक नंबर दोनों का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग एटम के अपन बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने पास R1 बोल दिया, इसके लिए अपने पास R2 बोल दिया, मतलब अपने पास जो है जेड वेरिएबल है अभी। तो अपन ने देखा था कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z। तो सेम सेल के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ये तो क्या हो गया, दोनों आइटम के लिए सेम हो गया। जेड अपने पास डिफरेंट रहेगा तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो अपन क्या लिखेंगे कि R2/R1 इक्वल टू Z1/Z2। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना इस तरीके से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, इस वाले पोर्शन में, तो इसलिए मैं उसको फॉर्मूले की तरह से लिखा दे रहा हूँ। वैसे तुम रिलेट करके निकाल सकते हो, ये सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने बता ही दिया। तो एक तरह से बेसिकली अपन ने क्या किया, उसी फॉर्मूले से रिलेट किया है सबको। तो ये है अपने पास, तो ये रेडियस के बारे में हो गया। इसी तरीके से अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, पहले अपन सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे एक साथ कर लेंगे। तो ये रेडियस के बारे में था। कभी कभी अपने से ग्राफ्स भी बनवा सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस में बता देता हूँ ग्राफ से रिलेटेड, कि ग्राफ्स की अगर अपन बात करें तो जैसे अपने पास मान लो कि अपने को ग्राफ बनाना है किसके लिए, रेडियस वर्सेस एन, दैट इज सेल नंबर। तो अपने पास जो फॉर्मूला है रेडियस का उसके थ्रू ही अपन जाएंगे कि अपने को बताया आर इक्वल टू, अपने पास क्या है, R=0.529 n² / z angstrom। यूनिट साथ के साथ ध्यान रखना है क्योंकि उस हिसाब से अपन ने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखी है। अब मैंने पहले भी बताया है कि जब भी अपने को ग्राफ खींचना होता है तो जो चीज आगे लिखा हुआ है उसको अपन जनरली y एक्सिस पर रखते हैं, मतलब रेडियस को अपने को y के इक्विवेलेंट मानना है, और जो अपने पास है राइट साइड मतलब जो बाद में लिखा हुआ उसको अपन x एक्सिस पर रखते हैं, मतलब उसको x के इक्विवेलेंट मानना है। ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो r ये रहा और n ये रहा अपने पास, और बाकी चीजें जो है उनको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब जो दो पैरामीटर है उसके अलावा बाकी चीजें अपने पास कांस्टेंट में चली जाएगी। ये तो R=, मैं लिख सकता हूँ 0.529 / z (n²). तो जब भी ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही तुमको करना होता है कि जो दो पैरामीटर है उनको अपन वेरिएबल की तरह मानेंगे, बाकी जो पैरामीटर रहेंगे उन सबको कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे।
तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखोगे कि आर को अपन रख रहे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो ये बन गया एक तरीके से वाई। एन को अपन रख रहे कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा एक्स, और एन का स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर, और बाकी ये सारी चीज अपने पास कॉन्स्टेंट, तो अपने पास आ जाएगा एक तरीके से एम। तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, कौन सा ग्राफ आता है ये? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला बनेगा पैराबोलिक। सर, पैराबोला। हाँ पैराबोलिक, बिल्कुल बिल्कुल पैराबोलिक ग्राफ। पढ़ लियो ना तुमको क्वाड्रेटिक, तो नहीं पढ़े हो? यस सर। हाँ, तो ये अपने पास ऐसा ग्राफ आएगा कि वाई एक्सिस पे अपन ले रहे क्या रेडियस को, एक्स एक्सिस पे ले रहे किसको, एन को, और ग्राफ अपने पास पैराबोलिक वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे तुमको ग्राफ भी बनाने आ सकते हैं, क्योंकि वो कभी कभी कर देता कि जैसे अपने रेडियस पढ़ लिया, आगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, तो चार ऑप्शन बना के चारों के ग्राफ दे देगा, और तुमसे पूछेगा कौन सा ग्राफ करेक्ट है कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। बस तुमको वो इसी तरीके से इक्वेशन बना के वेरीफाई करना होगा। तो पहला ये हो गया अपने पास। तो ऐसे तो काफी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन एक दो अपन कर लेते हैं। जैसे अपने पास मान लो कि दूसरा ग्राफ अपन ले लेते हैं कि रेडियस वर्सेस 1/z ले लेते हैं, या जेड ले लो ज्यादा अच्छा हो रहेगा, कि रेडियस वर्सेस जेड। तो आपस वही बात होगी कि जो रेडियस अपने पास आगे लिखा हुआ है, इसको अपन लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, मतलब तो वाई के इक्विवेलेंट इसको मानना है, और जो बाद में लिखा हुआ है इसको अपने को लेना है एक्स एक्सिस पे, मतलब इसको एक्स के इक्विवेलेंट मानना है किसको, जेड को। रेडियस और एटॉमिक नंबर जेड की बात हो रही है, तो फॉर्मूले का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो अपने को ग्राफ खींचना है आर वर्सेस जेड में, तो जो अपने पास 0.529 और एन स्क्वायर है, इसको अभी अपन एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा कि आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर इंटू 1/z। तो मैंने बोला कि आर को अपने को एक ट्रीट करना है किसकी तरह, वाई की तरह। ये पूरी चीज अपने पास बन जाएगी कॉन्स्टेंट, और 1/z में भी अपने को जेड, सिर्फ जेड के साथ ग्राफ खींच रहा है, तो जेड को अपने को लिखना है किसकी तरह, एक्स की तरह। तो अपने पास क्या बन जाएगा एक तरीके से 1/x। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा कि एक्स वाई इक्वल टू एम, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सा ग्राफ आता है बताओ? लीनियर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लीनियर ग्राफ होता है, सर, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है। हाँ, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है। नाम क्या देते हैं उसको? सर नाम नहीं पता, लेकिन थोड़ा सी शेप टाइप का होता है, ऊपर कर्व ज्यादा होता है, नीचे भी कर्व ज्यादा होता है। ऐसा? यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं अपन रेक्टिलिनियर हाइपरबोला। तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरीके का। तो ये तुमको ग्राफ पता होनी चाहिए यार। चलो मैं लिखा देता हूँ, वैसे नहीं पता है तो, क्योंकि आगे अपन पास और भी चीजें यूज आएगी। हाँ, तो देखो ग्राफ में तुमको इतना तो हो गया दो। तो चलिए अपने पास देखो, इस साथ में तुमको ध्यान भी रख लेना कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर ऐसा आता है अपने पास, तो ये वाला ग्राफ आता है। जैसे अपन ये क्या बनाया था, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर में अपने पास इस तरीके का ग्राफ आता है पैराबोलिक कर्व। लास्ट में सारे लिखा भी दूंगा। एक और ग्राफ अपन बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि थर्ड अपने पास, चलो तुम खींच के बताओ क्या आएगा अपने पास, इक्वेशन बना के बताओ पहले। तो कि अपने को मान लो एक ग्राफ बनाना है रेडियस वर्सेस 1/z के बीच, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी एक्स और वाई में अगर अपन बात करें तो? देखो कौन बताता है पहले। क्योंकि आगे जो ग्राफ्स आएंगे तुमसे ही बनवाऊंगा मैं, किसी का आए तो बताना।
कि इसको अपन ले लेंगे y के इक्विवेलेंट, 1/z जो पूरा है इसको अपन ले लेंगे किसके, x के इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला लिखो वहां से देखो कि सर लीनियर है इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा सर, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो वैसे देखें अपन की रेडियस r इक्वल टू अपने पास क्या है 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो पहली बात अपने ग्राफ खींचना है किसके बीच, r और 1 बाय z। तो ये एक तरीके से जो अपने पास नीचे z है इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि n स्क्वायर इंटू 1 बाय z। तो अपने ग्राफ खींचना है किसके लिए, r और 1 बाय z के बीच। तो बाकी चीजें कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको अपन y के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, ये पूरा अपने पास एक कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा m, और 1 बाय z को पूरे को x के इक्विवेलेंट मान रहा, तो y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx का जो लाइन अपने पास आता है वो आता है अपने पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरीके से। तो ये अपने पास r हो गया और यहाँ पे अपने पास 1 बाई z हो गया। तो इस तरीके से तुमको ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया वैसे इक्वेशन बना के रिलेट करके तुमको ग्राफ खींचने हैं। सर वो कांस्टेंट कैसे हो रहा है सर, वो कैसे पता चल रहा है सर? वो पता नहीं चल रहा है, ये अपने को ऐसे एज्यूम करना होता है कि जिन दो पैरामीटर्स के बीच अपन ग्राफ खींच रहे हैं उनके अलावा अपन बाकी सबको कॉन्स्टेंट मानते हैं, क्योंकि अपन ये देखना चाह रहे हैं ना कि इसको अपन अगर वेरी कराते हैं तो ये किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है इसमें। ठीक है। तो ये बार बार ये तो बोल रहा हूँ जिनके बीच ग्राफ खींच रहे हैं उनके अलावा बाकी को कॉन्स्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास थोड़ा सा ग्राफ्स रिलेटेड डिस्कशन। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ इक्वेशंस, मतलब जो ग्राफ वाला है। वैसे तुमको आना चाहिए तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा यार तुमने, अगर ऐसा इक्वेशन आता है y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स का जो अपने पास ग्राफ आता है ये आता अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी ओरिजिन से पास करती हुई इस तरीके से। तो ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, तो ऐसा अपने पास ग्राफ आएगा। दूसरा अगर इसी में अपन बात करें, कभी इक्वेशन बनती है अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो अपने पास ग्राफ आता है वो होता है स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे जो c है इसको अपन बोलते क्या, इंटरसेप्ट। और जो बेसिकली m होता है इतना तो पता है, वही होता है अपने पास स्लोप। तो स्लोप जो m है इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि अगर मान लो कि एंगल जो है x एक्सिस से अगर अपन माने हैं तो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा है, तो जो m की वैल्यू होती है वो ग्राफ में अपने पास tan थीटा के बराबर होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, स्लोप। तो अपने पास y इक्वल टू एम एक्स है और साथ में जो c है एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, तो c जो होता है इंटरसेप्ट होता है, मतलब अगर c पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस को ऊपर की तरफ कट करेगा जो भी c की वैल्यू होगी उसके बराबर, और अगर c नेगेटिव है तो इसको ये नीचे की तरफ कट करेगा ग्राफ को। जैसे मान लो कि c की वैल्यू है प्लस टू, तो प्लस टू मतलब ऊपर y एक्सिस में दो से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू है माइनस टू तो ग्राफ जो है y एक्सिस पे माइनस टू से स्टार्ट होगा। तो अपन मान लेते कि c पॉजिटिव है तो अपने पास आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन ही आएगी इस तरीके से। बस जो ये इंटरसेप्ट हो गया ये अपने पास c है जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, और अभी अपन ये पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर नेगेटिव होता तो नीचे से ऐसा लाइन खींचते। तो देख ही लोगे, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आता है कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, तो ये वही बन जाएगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि अगर यहां से तुम इस x को उठा के इधर ले जाते हो ये अपने पास y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये है अपने पास कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ अगर अपन देखें तो ये अपने पास आता है रेक्टिलिनियर हाइपरबोला जो अपने अभी बनाया था, कि यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे अपने पास y हो गया, यहाँ पे अपने पास x हो गया, तो जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ये नाम है ग्राफ्स के,
रेक्टिलिनियर हाइपरबोला, तो सिंपली अपन इसको हाइपरबोला बोल देते हैं क्योंकि वो रेक्टिलिनियर होगा या किसी और टाइप का होगा वो अपन मैथ में ज्यादा अच्छे से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे तो अपन सिर्फ हाइपरबोला बोल देंगे। ये हो गया अपने पास, और अपने पास कौन सा ग्राफ आएगा, हाँ वाई इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट एम एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये तुम पढ़ी रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें अपने पास पैराबोलिक कर्व आता है। तो ये अपने पास वाई है मान लो, यहाँ पर अपने पास एक्स है, तो जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा इस तरीके से। तो अभी तो अपने को इतने की जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री में, तो y equal to mx मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y equal to mx plus c स्ट्रेट लाइन रहेगी लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, वो ओरिजिन मतलब इस पॉइंट से पास नहीं करेगी, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहेगी वहां से स्टार्ट होगा। अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो y एक्सिस में ऊपर की तरफ ओरिजिन के ऊपर, नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो y एक्सिस पे जो भी वो वैल्यू है इंटरसेप्ट की नीचे की तरफ ओरिजिन से, और ये एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये अपने पास ये तीन चार ग्राफ अपने पास बार बार काम आते हैं तो ध्यान रख लेना थोड़ा, जिनको नहीं पता है वो। तो ये ग्राफ के बारे में बात हो गई, तो यही था अपने पास रेडियस में इतना, इसके न्यूमेरिकल्स अपन लास्ट में करेंगे क्योंकि अपने को मिक्स न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, मतलब जिसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा, रेडियस का फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा, और सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन करने हैं जिसमें रेडियस की बात हो रही होगी। तो सारे जब अपन फॉर्मूले निकाल लेंगे तो लास्ट में सबको एक साथ स्टडी करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो ये था अपने पास वेलोसिटी के बारे में, सॉरी रेडियस के बारे में। नेक्स्ट है जो अपने पास की वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका वेलोसिटी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी अपने को बात करनी है। तो अपन ने लिखा था कि अपने पास क्या होता है, हाँ अपने पास जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसका अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम आता है एम वी आर, वो अपने पास क्या होता है एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन, एन टाइम्स रहेगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्वांटाइज बोलते हैं, ये कल भी किसी ने पूछा था, ये मैं लास्ट में बता दूंगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो क्वांटाइज होती है, तो सबको एक साथ अपन एक अलग से हेडिंग डाल के ही पढ़ लेंगे कि क्या क्या अपने पास आगे यूज आने वाला है, जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है, एनर्जी क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो सारों को एक साथ लिख लेंगे तो तुमको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कहाँ पे अपन बात करते हैं क्वांटाइज की और कहाँ पे नहीं करते हैं, तो वो अलग बात है, उसको भी छोड़ दो फिलहाल। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ किसी को लग रहा हो कि अपने को बताया नहीं, तो अपन लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी अपने को निकालना है, तो अपने पास ये फॉर्मूला था कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो होता है एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब अपने को निकालना क्या है वेलोसिटी, तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो v इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा n h अपॉन 2 पाई इनटू m r, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें तो n तो अपने पास क्या हो गया सेल नंबर हो गया, कि जिस सेल के इलेक्ट्रॉन के अपन वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं उस सेल का सेल नंबर, h अपने पास कांस्टेंट है और 2 पाई भी अपने पास फिक्स वैल्यू है, मतलब एक तरीके से भी कांस्टेंट है। एम अपने पास क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास रेडियस बचा कि अगर कहीं से मैं रेडियस को ला के रख दूं तो मेरे पास वेलोसिटी निकल जाएगी, और रेडियस का अगर तुमको ध्यान हो तो कल ही अपन एक फॉर्मूला निकाला था कि आर इक्वल टू अपने पास होता है क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अगर तुम आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हो, पहले तो अपने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं कि वी इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू वन बाई आर कर देता हूं मैं इसको। तो यहां से अगर अपन आर की वैल्यू पुट करें तो अपने पास जो वेलोसिटी आएगा देखो क्या बन जाएगा ये, कि v इक्वल टू सेल नंबर n डिवाइडेड बाय h 2 पाई m, 1 बाई r करना है, r हो रहा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो चला जाएगा अपने पास 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ये समझ में आता है क्या?
अब यहाँ पे अगर देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टू से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। एम से एम अपने पास कैंसिल हो जाएगा, और एन से ये कैंसिल हो गया, एच से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर था तो फाइनली अपने पास देखोगे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा कि वेलोसिटी इक्वल टू तुम्हारे पास बचेगा 2πke² जो जेड था उसको मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिख दे, क्योंकि जेड की वैल्यू अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रहेगी, बाकी 2 हो गया, पाई हो गया, के हो गया, ई हो गया, इनकी वैल्यू सब एटम के लिए सेम रहेगी। यहाँ पे भी वही करेंगे कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स है उन सबकी वैल्यू पुट करके अपन फाइनली एक फॉर्मूला निकाल देंगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ तुमको मिलेगा एच और एन, ये वाला कि ये एच हो गया और ये अपने पास एन हो गया, तो एच की वैल्यू अगेन वही सबके लिए सेम रहेगी, बस सेल नंबर अलग अलग रहेगा। तो ये अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो कि के हो गया, ई हो गया और एच हो गया, तो इन सब की वैल्यूज अगर अपन पुट कर दें तो अपने पास क्या होगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है वही अपने को याद भी रखना है कि v इक्वल टू 2.18 इंटू 10^6 जेड बाई एन, और जो यूनिट आएगी अपने पास क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकेंड अगर अपने को मेजर करना है किसी भी जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम के एनएच सेल में, तो फॉर्मूला अपने पास हो गया कि v इक्वल टू 2.18 इंटू 10^6 जेड बाई एन। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है फाइनली। तो देखो तुमको क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों से आएंगे जो अपन फाइनली निकाल रहे हैं। जैसे अपने रेडियस का निकाला 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी का निकाला 2.18 इंटू 10^6 जेड बाई एन। लेकिन फिर भी तुमको ये थोड़ा बहुत आइडिया रखना है कि अपन ने डिराइव कैसे किया है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे तुमको डेरिवेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर तुमको समझ में आए तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अपन ने रेडियस का ये वाला फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहां पर अपने पास क्या है, एन स्क्वायर है, जो कि अपने पास क्या है, सेल नंबर हो गया, किसी भी सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं उसका। यहाँ पे अपने पास जेड है तो जिस एटम की बात करें उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ई अपने पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, के अपने पास कॉन्स्टेंट है। अब कभी कभी पता है वो क्या करता है, वो तुमको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब क्या करेगा कि अपने को एक ऐसा पार्टिकल मानना है, मतलब एक ऐसा सिस्टम एज्यूम करना है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो नया इलेक्ट्रॉन रहेगा नए सिस्टम में या हाइपोथेटिकल सिस्टम में, वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके मास का 2 times है। तो मास को अगर 2 times कर दोगे यहाँ पे कि m को अगर मैं 2m से रिप्लेस कर दूं, तो प्रेजेंट टाइम पे जो रेडियस का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पहले, मतलब जो नया फॉर्मूला आएगा उसमें, क्योंकि एक तरीके से अपने m को 2m से रिप्लेस किया, मतलब अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। क्या बोल रहे हो, इनवर्सली है इस वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछ लेता है वो, तो तुमको ये काम नहीं आएगा, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा या हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुमको दी जाएगी, लेकिन फिर भी तुमको वही हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो ये तुमको पता होना चाहिए किस तरीके से अपने डिराइव किया है, क्योंकि अगर अपने पास जरूरत पड़ गई तो अपने को डिराइव करना पड़ा तो अपन कर सके। बाकी तुमको याद फाइनल रिजल्ट ही रखना है, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे अगर अपन बात करें थोड़ा सा फिर अगेन उस बारे में कि अपने पास क्या आ गया, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10^6 जेड बाई एन, और यूनिटी हो जाएगी अपने पास, हो जाएगी वेलोसिटी की क्या, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखोगे तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ये अपन लिख सकते हैं जो वेलोसिटी हो जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसको अपन ज्यादा डिटेल में देखें तो अपने पास ये हो जाएगी जो वेलोसिटी है वो एटॉमिक नंबर जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अपने पास जो वेलोसिटी है वो सेल नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वापस अगर वही बात करें कि अपने पास एक एटम है जेड वन एटोमिक नंबर का, उसका अपने पास एनएच सेल, तो उसको अपन बोल दे एन वन, उसके अंदर जो रेडियस रहेगा उसको अपन बोल दे क्या, आर वन। सेम तरीके से अपने पास दूसरा एटम है जिसका एटोमिक नंबर है जेड टू,
उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सेल है N2 जिसकी रेडियस R2, तो अपने को एटम वन में किसी N1 सेल की रेडियस कंपेयर कर देखना है और एटम टू में किसी N2 सेल का रेडियस देखना है R2। इन दोनों को कंपेयर करें तो एक तरीके से R2 बाई R1 अगर अपने को निकालना है तो अपन बोल रहे हैं कि Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R2 बाई R1 अगर अपन ने किया तो क्या आ जाएगा Z2 बाई Z1। N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपने पास क्या आ जाएगा N1 अपॉन N2, क्योंकि अपने R2 बाई R1 किया है तो इनवर्सली, इसलिए R को 2 बाई 1 किया तो N अपने पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा इस तरीके से रिलेट करना चाहो तो। और ये भी तुम चाहो तो कि एक बार अगर जेड को सेम कर दें तो अगर एक बार दें इसी फॉर्मूले से भी देख सकते हो डायरेक्ट कि अगर मैं जेड वन जेड टू दोनों को एक कर दू, मतलब मैं एक ही एटम में अलग अलग सेल की बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा N1 बाई N2। या मैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में मतलब Z1 और Z2 अलग अलग रहेगा एक ही सेल की मैं बात करूं मतलब N1 N2 सेम हो गया तब अपने पास क्या जाएगा कि R2 बाई R1 इक्वल टू Z2 बाई Z1। तो ये सब सिचुएशन आती है अलग अलग, इसको तुमको डील करना आना चाहिए। अपन प्रॉब्लम्स करेंगे आगे तो उसमें और अच्छे से अपने को क्लियर होगा। तो ये हो गया अपने पास किस तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन ग्राफ देख लें जैसे अपन रेडियस के लिए देख रहे थे वैसे ही, तो ग्राफ्स में तुमको दो ग्राफ दे रहा हूँ, तुमको बना के बताना मेरे को कि किस तरीके का रहेगा, स्ट्रेट लाइन है पैराबोला है या फिर हाइपरबोला है क्या है। तो पहला ग्राफ जो तुमको बनाना है, बनाना है किसके बीच वेलोसिटी वर्सेस जेट, और एक ग्राफ तुमको बनाना है वेलोसिटी वर्सेस सेल नंबर एन। बताओ किस में कौन सा ग्राफ आएगा, जल्दी से सोच के। सर पहला लीनियर होगा, दूसरा वाला रेक्टिलीनियर हाइपरबोला होगा। पहला लीनियर होगा, दूसरा रेक्टिलीनियर हाइपरबोला होगा, सही है। बाकी लोग भी सोचो बहुत बढ़िया। तो वही तुमको इक्वेशन देखनी पड़ेगी, फॉर्मूला कि v इक्वल टू अपने पास क्या है अपने को ग्राफ खींचना है किसके बीच v और z के बीच। तो ये अपने को एक तरीके से y के इक्विवेलेंट मानना है, y एक्सिस पे रखना होगा, ये अपने को x के इक्विवेलेंट मानना है क्योंकि ये x एक्सिस पे रखना है। तो v अपने पास हो जाएगा मतलब v और z है पहली बात, ऐसा मानते हैं अपन। अब v को अपन रख रहे हैं y एक्सिस पे, ये चीज अपने पास बन जाएगी सारी कांस्टेंट m, और z अपने पास आ जाएगा x, तो y इक्वल टू mx। ये अपने पास वही स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा अपने पास क्या है v वर्सेस n है, तो वापस वही देखना होगा तुमको फॉर्मूले से। तो हर बार तुमको वैसे ही चेक करना है कि तरीके से कि अपने पास हो गया v इक्वल टू 2.18 × 10⁶ z by n। तो अपने को रखना है y एक्सिस पे v मतलब ये बन गया एक तरीके से y, और ये बन गया अपने पास n मतलब एक तरीके से बन गया क्या x, और बाकी जो पार्ट अपने पास बचेगा दैट इज दिस, ये को पूरे को मान लेंगे अपन क्या कांस्टेंट। तो इसको अपने रख दिया y 2.18 × 10⁶ × z, ये हो जाएगा एक तरीके से कांस्टेंट कुछ भी m, और n को अपने को मानना है क्या x। तो एक तरीके से क्या आ जाएगा कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज हाइपर बोला। तो इस तरीके का अपने पास ग्राफ आ जाएगा ये। तो ये अपने पास ग्राफ था किसका v वर्सेस z, ये ग्राफ है v वर्सेस n। तो इस तरीके से ग्राफ बनवाए जाएंगे, ये तुमको बनाने आने चाहिए। तो ये वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, दो चीज अपन निकाल चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला है अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपन स्मॉल एफ से लिखते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी मतलब वही हो गया कि एक सेकेंड में कितने बार चक्कर लगा रहा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब तो कितनी बार सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है, या इसी को अपन एको नाम दे सकते हैं, और ऑर्बिटल या ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, तो इसी को अपन ये भी बोलते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो ये है अपने पास, तो इसमें अगर अपन डिफाइन करें तो ऐसा लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन सेकेंड अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ को कितने चक्कर लगा रहा है एक सेकेंड में। तो इसका सिंपल सा मतलब ऐसे है कि अपने पास ये अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एक न्यूक्लियस है, अपने पास सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो एक चक्कर लगाने का मतलब एक बार ही सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करना। तो कितनी बार ही सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा एक सेकेंड में, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। अब अगर अपन मैं बोलूं तुमसे पूछूं कि अगर इसको एक बार पूरा चक्कर कंप्लीट करना है, एक बार ही सर्कुलर पाथ को कवर करना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो बताइए, सर्कुलर पाथ का 2πr, क्योंकि अगर अपन जो सेल है अगर इसकी रेडियस है आर, तो अपने को पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो कितना होता है 2πr। तो एक तरीके से इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना 2πr, और वेलोसिटी है इसके पास कितना वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को पता है कि एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए अपने को 2πr इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और अपन बोल रहे कि उसका जो वेलोसिटी है वो कितना v मीटर पर सेकेंड। तो v मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि अगर एक सेकेंड की अपन बात करें तो एक सेकेंड में वो v मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है टोटल। तो एक सेकेंड में वो टोटल इतना डिस्टेंस चलेगा, और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको इतना डिस्टेंस चलना पड़ता है, तो टोटल कितने चक्कर वो कंप्लीट करेगा, तो अपन लिख सकते हैं कि एक सेकेंड में अपने पास वो चल रहा है कितना v डिवाइडेड बाय एक चक्कर के लिए उसको 2πr चलना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे एक सेकेंड में, क्योंकि अपन वेलोसिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एक सेकेंड में उतना मीटर हो गया। ये समझ में आएगा किस तरीके से अपने फॉर्मूला लिखा, रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट करना है देखो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अपन डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन सेकेंड, तो टाइम अपने पास फिक्स हो गया कितना वन सेकेंड, कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने रिवोल्यूशन कर रहा है या कितने चक्कर काट रहा है। तो अपने को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन करने के लिए उसको जो सर्कुलर पाथ की लेंथ है दैट इज 2πr इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो फॉर वन रिवोल्यूशन, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना करना है 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है या जिस वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल कर रहा है वो अपने पास क्या है v। टाइम अपने पास एक सेकंड था इसलिए मैंने बात किया कि अगर उसका वेलोसिटी कितना है v मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड में वो v मीटर इतना डिस्टेंस चलता है टोटल। तो एक सेकंड में वो टोटल इतना डिस्टेंस चल सकता है, और एक रिवोल्यूशन के लिए उसको 2πr चलना है, तो अपने को क्या निकालना है कि एक सेकंड में टोटल कितने रिवोल्यूशन आएगा, तो टोटल डिस्टेंस एक सेकंड में जो ट्रेवल कर रहा है दैट इज v डिवाइडेड बाय एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज 2πr। तो अपने पास यहाँ पे क्या जाएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अभी क्लियर है क्या? यस चलो दो, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है मतलब किस तरीके से आ रहा है मैंने वो बता दिया, ऐसे तुम सोच के डिराइव कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट याद रखोगे तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन ऐसे रिलेट करके ध्यान रखोगे तो भूल भी जाओगे तब भी दोबारा लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अपने पास क्या है v अपॉन 2πr। तो अब यहाँ पे अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रेडियस का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को अगर पुट करोगे वापस वही कॉन्स्टेंट वगैरह की वैल्यूज पुट करोगे तो अपने पास जो है फाइनली फॉर्मूला आता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6.6
65 into 10 की पावर 15 z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, और यूनिट तो इसका होता है ये हर्ट्स, तो वही रहेगा अपने पास सेकंड इनवर्स हर्ट्स, तो यूनिट अपने पास आ गया एच जेट। तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन से उतने नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं एक दो बार वो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, मतलब उसने ऐसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब ऐसे दे रहता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर एक्स, तो एक्स बताओ, तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब एक्स हो गया क्या टू। या एक दो बार उसने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर एक्स और एन की पावर वाई, जेड अपने पास एटॉमिक नंबर है, वाई अपने पास सेल नंबर है, वो तुमसे पूछ लेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स। तो अगर मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है जेड की पावर एक्स और एन की पावर वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और तुमको वाई माइनस एक्स निकालना है, तो क्या वैल्यू आएगी उसकी वाई माइनस एक्स की? वन। वन आ जाएगी, क्योंकि अपने को साथ तो फॉर्मूला दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो है अपने पास एन क्यूब है और जेड अपने पास स्क्वायर है, तो जेड को पावर जो है उसको अपन एक्स से लिख रहे हैं, एन की पावर जो है उसको वाई से लिख रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक तरीके से टू, वाई इक्वल टू अपने पास हो जाएगा थ्री, तो अपने को करना क्या है थ्री माइनस टू दैट इज वन। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो इस फॉर्मूले को अपन जनरली ऐसे, मतलब निकालना तो आना चाहिए तुमको, मेन फॉर्मूला अपने पास ये था, इसमें अगर तुम वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू रख के पुट करके सोल्व करोगे तो फॉर्मूला आता है, लेकिन तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अभी तक जो पूछा गया उसके हिसाब से ये रिलेशन पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, तो ये तुमको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, ये तो याद होना ही चाहिए, मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, इसको निकालने का एक और तरीका है कि जैसे अपने डिफाइन किया था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अपने पास क्या रहा है वी अपॉन टू पाई आर, तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो कि टू पाई तो अपने पास कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी अपॉन रेडियस के, और वेलोसिटी अपने निकाला कि वेलोसिटी अपने पास क्या होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन, मतलब जो वेलोसिटी था अपने पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड बाई एन के, और रेडियस अपने लिखा था कि r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर बाय z के। तो यहां से तुम उठा के z बाय n के टर्म्स में अपने को रिलेट करना है ना फ्रीक्वेंसी को, तो v की जगह अपन क्या लिख सकते हैं z बाय n, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि अपन प्रोपोर्शनलिटी में बात कर रहे हैं, और रेडियस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई Z। तो यहां से तुम निकाल सकते हो कि अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी अपन क्या लिख रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई R, तो मैं लिख सकता हूं कि V की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, V की जगह अपन लिख सकते हैं क्या Z बाई N, Z बाई N, R की जगह अपन लिख सकते हैं क्या N स्क्वायर बाई Z, Z। तो ये वही बन जाएगा कि z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, तो अगर वैसे भूल जाओ तो ऐसे निकाल लो, मतलब दो मेथड हो गए रिलेशन को निकालने का, एक तो अपने पास फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब हो गया, और फॉर्मूला नहीं याद है तो अपन ने डिफाइन किया था इस तरीके से कि v अपॉन 2 पाई r होता है, तो अपन लिख रहे हैं कि वेलोसिटी अपॉन रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसी को रिलेट करके अपन ने ये चीज निकाल दी। हाँ बोलो सर, एक बार फिर से बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही, फिर से समझा दें। देखो ये मैं बोला था कि एक तो अपन ये फॉर्मूला निकाल लिया, तो फॉर्मूले से तुमको रिलेशन निकालने को बोला जा सकता है कि जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वाला रिलेशन। यस सर। हाँ अब मैं दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, मतलब इसको एक तरीके मेथड टू की तरह ट्रीट कर सकते हो कि इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी तक इस रिलेशन से रिलेटेड पूछे गए, कंप्लीट फॉर्मूले से नहीं पूछे गए, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए कि अपने पास मान लो कि
हीलियम है, मतलब अपने पास हो गया z इक्वल टू टू, उसके थर्ड सेल मतलब n इक्वल टू थ्री, तो z की वैल्यू टू, n की वैल्यू थ्री, उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। इस रिलेशन से वही कुछ भी करके पूछेगा, जैसे अपन ने यहाँ पे ये बात भी की थी, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह लिया था, अच्छा उड़ा दिया मैंने जो भी था। तो अगर ये रिलेशन अपने को निकालना है तो उसका एक और तरीका हो सकता है कि अपन ने बोला कि अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन ने निकाला वेलोसिटी और रेडियस से रिलेट करके इस तरीके से कि एफ इक्वल टू वी अपॉन टू पाई आर, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकेंड में वी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको टू पाई आर इतना डिस्टेंस चलना पड़ता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपने पास वी अपॉन टू पाई आर से आ जा रहा है। तो यहाँ से अपन ने लिखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी अपॉन आर के, क्योंकि टू पाई तो कॉन्स्टेंट है। फिर अपन देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले से देख लिया, ये तो याद होना ही चाहिए। रेडियस जो है एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी अपन ने निकाला है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, और इन दोनों को उठा के अपन ने यहाँ पर रख दिया कि v की जगह z by n, r की जगह n square by z। देखो ये रिलेशन आज अपने पास आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z square upon n cube। अभी क्लियर है क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, z square upon एन क्यूब के। हाँ तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट था अपने लिख भी दिया, तो ये ध्यान रखना डायरेक्टली कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास से क्या टाइम पीरियड, इसके जैसा ही रहेगा, फोर्थ जो था अपने पास आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम पीरियड को किस तरह से डिफाइन करता है बोर कि अपने पास एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अगर किसी पर्टिकुलर सेल में वो प्रेजेंट है तो इसको अपन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। तो नाम से पता चल रहा है टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगेगा उसको अपन टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो अपने पास वही है कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो अपने को बताया कि अगर इसको एक चक्कर कंप्लीट करना है तो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल करना कितना, 2πr, वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये v मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कि अपने को 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितने से, v स्पीड से, तो 2πr अपॉन v अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि ध्यान से देखोगे यहाँ पे कैपिटल T से लिख रहे हैं अपन, तो कैपिटल T ही यूज करो, जो कि ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपन लिख रहे थे एफ वी अपॉन 2πr और टाइम पीरियड अपने पास आ गया 2πr डिवाइडेड बाई वी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे अपन वहां पे बोल रहे थे कि अपने पास फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि जो टाइम पीरियड है वो एक तरीके से जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, पहली बात तो आर अपॉन वी के, रेडियस अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ से जैसा अपन ने किया था वैसे अगर यहाँ पे करोगे तो अपने पास आ जाएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये रिलेशन तुम्हारे पास टाइम पीरियड में तो ऐसा भी नहीं पूछा गया, जैसे मैं वहां पे बता रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है उसने, फिर भी पूछ ले तो अपने को ऐसे रिलेट करना है। तो ये टाइम पीरियड अपन बोल रहे हैं कि
कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करना है, एक बार ट्रेवल करना है, तो उसमें अपने पास अगर उसकी रेडियस आ रहे हैं तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, ये हो गया अपने पास जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड अपन ने किया, तो अपने पास क्या आ गया, टाइम आ गया, और जो कि देख रहे अपन की 2πr अपॉन v आ रहा था, फ्रीक्वेंसी अपने पास v अपॉन 2πr आ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, और फिर रिलेट अपन ने कर दिया। तो ये टाइम पीरियड की बात होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया ना ये? यस सर। तो ये है अपने पास की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या सेल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो किसी एनर्जी लेवल में या किसी सेल में या किसी ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, तो अपन अब बात करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, चार्ज्ड सिस्टम है कि न्यूक्लियस के साथ वो अट्रैक्शन में जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो एक चार्ज्ड सिस्टम है तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, तो वो भी अपने को कैलकुलेट करना होता है। पोटेंशियल एनर्जी अभी तो वही फ्रीक में अपन नहीं जा सकते कि अपने पास मान लो कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स का सिस्टम है, एक चार्ज है क्यू वन, साइन तो बात की बात है, एक चार्ज अपने पास मान लो क्यू वन, दूसरा चार्ज अपने पास क्या Q2, तो अगर ये दोनों चार्ज अपने पास किसी r डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पर अपने पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन लिखते हैं एक चार्ज्ड सिस्टम के लिए K Q1 Q2 अपॉन r, और r स्क्वायर कहते हो फोर्स को बताता है, तो ये अपने पास होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, उसकी भी अपन बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, तो उसकी भी बात करना है। और टोटल एनर्जी अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसकी भी बात करनी है। तो तीनों टाइप की एनर्जी को अपने को यहाँ पे बात करना है, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और टोटल एनर्जी अपने पास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन करते क्या है, बेसिकली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं और टोटल एनर्जी को फिर अपन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर देते हैं। तो फॉर्मूला एक ही याद करेंगे, उसी से अपन बाकी को भी निकाल लेंगे। तो पहले तो अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से डिराइव करेंगे फॉर्मूला, तो फाइनल क्या फॉर्मूला आएगा उसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे बात करना है। तो पहले अपन काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं, तो आसान है, अपने को पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, ये अपने पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास है कुछ m, वेलोसिटी है v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी के इसे मैं लिख रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी अपन क्या लिखते हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये है। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या करेंगे, एक तो तरीका तो हमारे पास है कि जो अपन ने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला निकाला था, जो डिराइव किया था, उसको उठा के उसका स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दो। एक और तरीका अपने पास, अगर तुमको ध्यान हो तो कल अपन ने फोर्स बैलेंस किया था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो, तो अपन बोल रहे थे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू अपने पास होता है जो कोलंबिक फोर्स आ रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, दैट इज के क्यू वन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू टू न्यूक्लियस का चार्ज, जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये अपन ने फोर्स बैलेंस लगाया था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो R से R कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो ये एम वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि एम वी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, K Z E स्क्वायर अपॉन R, वहां पे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, उसमें कोई अलग आंसर नहीं आएगा कि जो वेलोसिटी का अपने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था कॉन्स्टेंट के टर्म्स में, फाइनल फॉर्मूला उसको पुट कर दो, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करो, तो जो फॉर्मूला अपन लाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन कुछ चीजें रिलेट करेंगे, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं
कि अपने पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई डायरेक्ट फोर्स बैलेंस से। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे कहाँ से इक्वेशन अपन ने लिखी थी, फोर्स बैलेंस ऑन इलेक्ट्रॉन, जो अपने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो एम वी स्क्वायर अपने पास आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, वो अपने पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर जो है, तो एम वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो टू को तुम नीचे ले जाओ तो अपने पास बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। तो ये अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। फिलहाल अपन इतना ही लिख रहे हैं क्योंकि उसको अपन इसी तरीके से आगे यूज करेंगे। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की भी अपन बात कर लें। सेकेंड सर प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दिए एक सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लास्ट पोटेंशियल, हाँ हाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू सर। ओके, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अपन निकालना चाह रहे हैं। तो अपने पास जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अपने पास चार्ज्ड सिस्टम है, दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपने पास बात करें, एक तरीके से अपने पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना, प्लस जेड ई। दूसरा चार्ज जो है अपने पास वो क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना, माइनस ई। और दोनों के बीच जो रेडियस रहेगी एक तरीके से वो क्या है, रेडियस ऑफ सेल, सेल का रेडियस जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के क्यू वन, तो के हो गया, क्यू वन अपने पास हो जाएगा प्लस जेड ई, और क्यू टू हो जाएगा अपने पास माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई आर। अपने पास क्या जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये अपने पास क्या गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया अपने पास, तो वही फॉर्मूला लगाया, उसी को अपने को साइन के साथ रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को। क्योंकि देखो ये है अपने पास एक चीज, यहां से एक और इंफॉर्मेशन तुमको बता सकता हूं कि अगर किसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, किसी चार्ज्ड सिस्टम के लिए, मतलब वहां पे जो चार्ज प्रेजेंट है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि उस सिस्टम में क्या अपने पास अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है। और अगर किसी सिस्टम के लिए अपने पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो वो अपने को इस चीज को बता रहा है कि जिस सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं उसमें अपने पास रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है। तो सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हो सर, काइनेटिक एनर्जी में नहीं होगा माइनस ई की वजह से, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होता है ना यार। लेकिन सर वेक्टोरियली उसका कोई उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। नहीं नहीं, तो इसको देखो ना तुम, एम वी स्क्वायर, एम वी पॉजिटिव है, यस सर वो समझ में आ गया, उसको तो रिलेट करके अपन वो लेके आए। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मैं ये बोला था कि अगर अपने पास अट्रैक्शन फोर्स है या सिस्टम में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए नेगेटिव आती है, और रिपल्सिव फोर्स है वहां पे सिस्टम में तो पॉजिटिव आती है। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K Q1 Q2 upon R। अब अपने को पता है कि अगर प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें क्या रहेगा, प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, कि ऑपोजिट चीजें जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर दोनों सेम चार्ज है, मतलब माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो उनमें प्यार तो नहीं रहेगा, तकरार रहेगी, मतलब रिपल्सन रहेगा। तो सेम चार्ज अगर अपने पास आते हैं तो उनमें रिपल्सन हो गया, ठीक है। अब अपन कर क्या रहे कि जो दो चार्ज है अपने पास उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं,
तो माइनस माइनस रखोगे तब भी वो प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, प्लस प्लस रखोगे तब भी वो प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई होके. तो देख सकते हो कि जब अपने पास रिपल्सिव मतलब ऐसे चार्ज है जिनके बीच रिपल्सन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास पॉजिटिव ही आने वाली है. और अपने पास एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा चार्ज, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा. क्यू वन क्यू टू का एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्यू वन क्यू टू का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो यहां से देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के साइन से. तो वही अपन बोल रहे हैं कि किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स वहां पर डोमिनेट कर रहा है, और किसी सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है. तो यह वहां पर रिपल्सिव फोर्स है इस तरीके से, ठीक है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है. अच्छा अब अपने पास जो है तो यहां से ये बोल सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसके ऊपर उसके पास अट्रैक्शन है, इसलिए अपने पास क्या आता है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है न्यूक्लियस और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रॉन, तो प्लस माइनस हो गया. तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी. और थोड़ा सा अपन ने बात किया पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है फोर्स अगर उसको अपन रिलेट करना चाहे तो. तो ये हो गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और टोटल एनर्जी अगर अपन बोलेंगे तो पहली बात मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी अपन ने निकाला था, अगर ध्यान हो तो, कि हाफ एम वी स्क्वायर. और फिर इसको फोर्स बैलेंस से अपन ने कन्वर्ट किया कि अपने पास ये आ जा रहा था के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, या डिवाइडेड बाई टू आर है इसको जाओ तो ऐसे लिख लो कि वन बाई टू इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. पोटेंशियल एनर्जी अपन ने अभी अभी जस्ट निकाला कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. तो ये हो गया अपने पास, ठीक है. और टोटल एनर्जी अगर अपन निकालने जा रहे हैं तो टोटल एनर्जी इक्वल टू अपन लिखेंगे कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी अपन बोल रहे हैं कि अपने पास कितना है, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. तो ये क्या आएगा अपने पास टोटल एनर्जी, माइनस माइनस हाफ, एकदम सही बोल रहे हो, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. तो ये अपने पास आ गया, तो ये अपने पास टोटल एनर्जी आ गया. तो ये टोटल एनर्जी है, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले थे. अब इन तीनों को अपन कंपेयर करके इन तीनों में रिलेशन निकालते हैं. तो ये थे अपने पास देखो फॉर्मूले जो अपन ने अभी निकाला, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. इसके टर्म्स में अपने मतलब सबको निकाल लिया. देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ताकि अपन तीनों को आपस में रिलेट कर पाए. इसलिए मैं एक ही चीज में तीनों को लाना चाह रहा था, क्योंकि फॉर्मूला अपन एक लिखेंगे फिर आपस में जो रिलेशन लिखेंगे उसी को यूज करके बाकी भी फाइंड कर लेंगे. तो ये अपने पास फॉर्मूले आ गए. तो यहां पर अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो कि अपने पास जो पहले तो अपन ऑब्जर्व करते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को. तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. सिर्फ साइन का फर्क है, टोटल एनर्जी में माइनस आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में प्लस आ रहा है. तो मैं अगर चाहूं तो जो ये अपने पास हाफ हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी. इसे साइन का फर्क है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब अपन करेंगे क्या, अपन फॉर्मूला निकालेंगे किसका, टोटल एनर्जी का, और उससे अपन फिर करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. तो इस फॉर्मूले को ज्यादा अच्छा रहेगा तुम ऐसे लिखो कि काइनेटिक एनर्जी is equal to minus of total energy. तो तुमको ध्यान ऐसे रखना है कि टोटल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है
वो अपने पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, वो काइनेटिक एनर्जी है तो पॉजिटिव रहेगा, वो तो नेगेटिव कभी होता नहीं है, और टोटल एनर्जी होता है अपने पास वो नेगेटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होता है, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। वो रिलेशन लिखे तो ऐसे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को भी निकालेंगे कैसे, टोटल एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि फॉर्मूला अपने को टोटल एनर्जी का निकालना है और वही अपने को याद रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को मैं कंपेयर करूं कि ये रहा टोटल एनर्जी और ये रहा अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, तो देख के ही तुमको पता चल जाएगा कि अपने पास टोटल एनर्जी क्या है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर मैं इसको क्या करूं, टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, तो टू से अगर मैंने इसको क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास क्या बन गया, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जो कि अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि टू तो ऐसे कैसे रह गया, और ये बन गया अपने पास टोटल एनर्जी। मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये अपने पास हो गया कि माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला पार्ट जो है अपने पास, ये अपने पास बन गया क्या, टोटल एनर्जी, वो बाहर की तरफ टू था तो टू इंटू टोटल एनर्जी। तो इन दोनों में अगर रिलेशन देखोगे तो अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा कि अगर अपने को टोटल एनर्जी पता है और पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने को निकालना है तो अपने पास क्या हो जाएगा, टू टाइम्स कर देना है ऐसा। तो ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने को टोटल एनर्जी पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनली कि अपने को टोटल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये दो रिलेशन है जो अपने को आगे यूज करने हैं, और टोटल एनर्जी के लिए अपन अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये क्लियर है क्या? यस सर। चलो तो ये हो गया अपने पास कि किस तरीके से अपन ने फाइंड किया। अब टोटल एनर्जी का अपने को क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है, तो वो तो सिंपल सी चीज है कि अपन ने टोटल एनर्जी निकाला था कि माइनस हाफ के जेड, ये वाला माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सर आर की वैल्यू रख दें? आर की वैल्यू रख देंगे, एकदम सही सोच रहे हो कि अगर टोटल एनर्जी अपने को निकालना है तो टोटल एनर्जी का अपने फॉर्मूला लिखा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो k अपने पास कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर एटम के लिए z भी कांस्टेंट हो गया और e अपने पास कांस्टेंट है, तो r ही अपने को पुट करना है। तो r का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो नीचे r था इसको अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि के जेड ई स्क्वायर इंटू वन बाई आर, जो नीचे r था, और r का जो फॉर्मूला था वहां से अपन वन बाई आर बना के उसको यहाँ पर रखेंगे, तो देखो अपने पास ऐसा बन जाएगा कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर, आर की को अपन ने वन बाई आर रख के, मतलब वन बाई आर बना के यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो वन बाई आर को अपन ने ऐसे रिप्लेस करा दिया। अब वापस वही तुमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि z को थोड़ा सेपरेट कर लो, क्योंकि अलग अलग आइटम के लिए इसकी वैल्यू अलग रहेगी, तो एक बार z यहाँ आ रहा है एक बार यहाँ आ रहा है, तो बन जाएगा अपने पास z स्क्वायर। सेल नंबर भी अपने पास अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग है, तो इसको भी सेपरेट कर लो, बाकी सारे एक तरीके से कॉन्स्टेंट है तो उन सबको एक तरफ कर दो। तो फाइनली अगर इसको इस तरीके से लिखोगे तो इक्वेशन अपने पास बन जाती है, ये टू से कैंसिल हो जाएगा टू, तो ये अपने पास आएगा माइनस टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर e की पावर फोर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू जेड भी हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया, तो ये सारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो अपने आगे ये वाली चीज लिख रखी है, इसमें सारी चीजें क्या है कॉन्स्टेंट है।
कि अगर इसको अपन देखें तो k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और h अपने पास कांस्टेंट है, और 2 और पाई तो कांस्टेंट है ही सही। सर 13.6 आता है क्या सिंपलीफाई करके? हाँ हाँ 13.6 आएगा। तो इन सब की वैल्यूज पुट करो तो टोटल एनर्जी जो अपने पास आएगा, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन तो रहेगा ही, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यूनिट जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अपन बोलते हैं कि एक एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अपने पास ये आ जाएगा। तो ये फाइनली तुमको फॉर्मूला याद रखना है किसका, टोटल एनर्जी निकालने का। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अपन टोटल एनर्जी निकालेंगे, और अगर तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये तो फॉर्मूला, अगर तुमको क्या करना है जूल में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको तुम क्या करो जो 13.6 है इसको 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला जूल में बन जाएगा। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला जूल में चाहिए तो वो भी लिख लो, क्योंकि कभी कभी वो भी काम आ जाता है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू जो 13.6 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं फिर वहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अपने पास बन जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कर दिया तो जूल पर एटम, तो ये अपने पास क्या जाएगा जूल पर एटम में आ जाएगा। तो वापस वही बात है कि अपन जो ज्यादा यूज करेंगे वो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सबका एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में ही रखा जाता है, क्योंकि जूल में जो उसकी वैल्यू होती है वो काफी छोटी होती है, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो इससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो वैसे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटॉन्स की एनर्जी की बात करते हैं, तो एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो जूल में काफी छोटी वैल्यू रखती है, इसलिए उसको भी अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी की बात करें पर्टिकुलर सेल में तो जूल में वो वैल्यू काफी छोटी होती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात करते हैं। तो अपन एटॉमिक में ज्यादा टाइम्स एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में ही लिखते हैं, इसलिए अपने पास ज्यादातर क्या होगा पहला फॉर्मूला ही यूज होगा कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये एनर्जी को लेके अगर मैं तुमको बताऊं फाइनली, तो तुमको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का कि टोटल एनर्जी कैसे निकालना है, और टोटल एनर्जी अगर निकल जाएगी तो एक ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी निकालने का टोटल एनर्जी से, और ये एक ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी निकालने का टोटल एनर्जी से। तो ये तीन फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं एनर्जी से रिलेटेड। तो ये हो गया अपने पास, और यहाँ पे वापस वही कर सकते हो कि जेड स्क्वायर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि अपने फॉर्मूला निकाला कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे देखोगे तो साफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो अपने पास आ रहा है इस तरीके से। तो टोटल एनर्जी जो है इसको अपन क्या करते हैं ई से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई। तो ज्यादातर केस में तुमको कैपिटल ई ही लिखा मिलेगा, तो कैपिटल ई सिर्फ लिखा है मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रहा है। वैसे भी किसी भी चीज की अगर मैं बोलता हूँ सिंपल एनर्जी यूज करता हूँ, तो एनर्जी बोल रहा हूँ मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तो करेक्शन ऊपर कर दीजिए सर, लास्ट स्लाइड एक्शन दिखा दीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर अपन बोले कि किसी एक एटम में अपने पास लिथियम, लिथियम के पांचवे सेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लो कि x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो जब भी मैं नॉर्मल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी बोलूंगा, हो गया, मैंने मेंशन नहीं कर रखा है तो, और मेंशन कर दिया कि काइनेटिक है पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो ई को अपन, टोटल एनर्जी को अपन ई से लिखते हैं सिंपली। तो ये हो गया अपने पास सर। हाँ बोलो। तो सर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं लिख सकते 13.6 अपॉन 2 इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर? अपॉन 2 आएगा कि मल्टीप्लिकेशन आएगा पहले बताओ। सर TE, सर 2TE इज इक्वल टू PE लिखवाया था आपने, देखो ध्यान से। हां तो सर PE इज इक्वल टू 2TE बोल दिया, वही बात तो आई, 2TE इज इक्वल टू PE बोलिए, चाहे 2PE इज इक्वल टू, मैं कुछ और सोच ले रहा। हाँ, तो वैसे भी लिख सकते हो कि जैसे अगर मान लो कि अपन ने ये फॉर्मूला बनाया
माइनस सेम गायब हो गया सर, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनके फॉर्मूले बना सकते हो कि माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस माइनस साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं क्या, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब तो कैसे भी चेंज कर सकते हो, हाफ रखना चाहो या टू के टाइम्स रखना चाहो, कुछ भी रखना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो ये रिलेशन याद रखो, ज्यादा आसान रहेगा, फॉर्मूले को याद करोगे उससे अच्छा, और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे उससे। और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी अपने लिखा कि टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो 13.6 ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी 13.27.2 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऐसा। तो फॉर्मूला तो एक्चुअल में ये होता है, लेकिन रिलेशन ध्यान रख लोगे उससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये था अपने पास एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन। तो इसमें अपन जल्दी से वही ग्राफ बना लेते हैं एक दो, टाइम हो गया, और वो देख लेते हैं कि अपन लिख रहे हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टोटल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। तो वही लिख सकते हो कि अगर अपने पास सिंपली वैसे जैसे कंपेयर कर रहे थे वैसे लिखना चाहे एक फॉर्मूला कि किसी Z1 एटम के N1 सेल का एनर्जी मान लो क्या है E1, Z2 एटॉमिक नंबर के एटम का किसी N2 सेल का एनर्जी अपने पास क्या E2। तो अगर अपने को अगर E1 और E2 कंपेयर करना है, या चाहो तो T1 और TE2 लिख लो, तो T1 और TE2 अपने को कंपेयर करना है तो अपन लिखेंगे कि TE2 अपॉन TE1 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा कि जो टोटल एनर्जी है वो जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए क्या बन जाएगा, Z2 बाई Z1 का स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो T2 बाई T1 क्या है, तो n अपने पास क्या हो जाएगा N1 बाई N2, तो N1 बाई N2 के स्क्वायर। तो ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा, इसको भी यूज करना पड़ सकता है कभी कभी। अब इसमें भी ये हो सकता है कि एक बार एटम सेम कर दे, मतलब Z1 Z2 को सेम कर दे तो N1 अपॉन N2 का स्क्वायर बन जाएगा। एक बार अलग अलग एटम के लिए सेम सेल कर दे, मतलब N1 N2 को सेम कर दे तो Z2 बाई Z1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो तो तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर अपने पास देखे ग्राफ्स, तो वापस ग्राफ तो तुमको ही बनाने हैं। ये अपने को मान लो कि बनाना है टोटल एनर्जी वर्सेस जेड, तो क्या आएगा, पैराबोलिक, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड। और एक बार ले लो टोटल एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर, ये तीन ग्राफ बनाने हैं। पहला वाला क्या आ रहा है, सर पैराबोलिक आएगा। अच्छा पैराबोलिक आ रहा है, पैराबोलिक तो ठीक है, लेकिन एक चीज वहां पे है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो जो है वो एक्सेस के नीचे आएगा। तो एक काम करो, इसको बना के लाना तीनों ग्राफ को, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। एक तरीके से होमवर्क की तरह हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ग्राफ तुमको बना के लाने हैं। और चाहो तो तुम मेरे को भेज भी सकते हो कि सर ये ग्राफ आए हमारे।